दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत हो गया आपके अपने YouTube चैनल इंपुट लाइफ फिलटेक में। मेरा नाम दिलशाद और आज की इस नई वीडियो में हम कवर करने वाले सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल के बीच में जो टाटा आईपीएल का मैच नंबर 4 खेला जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं इस मैच की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, या तो ग्रैंड लीग टीम, स्मॉल लीग टीम, या तो हेड टीम बनाना चाहते हैं, दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट वीडियोस में आ चुके हैं, क्योंकि इस मैच से जो है रिलेटेड आपको हेड रिकॉर्ड्स, प्लेयर रिकॉर्ड्स, प्लेयर स्टेट, पिच रिपोर्ट की सटीक जानकारी, प्लेइंग 11, प्लेयर बैटल और साथ साथ टीम कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन सब कुछ मिलने वाला है। तो यार वीडियोस को आप लोग अभी से लाइक कर दें, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते गाइस, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे जिस वीडियो को देखना है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस प्रकार से मिलेगा, किसी भी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंचाएंगे मेरे। उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको प्रोफाइल चेक कर लेना है, नो प्राइम फ्री टीम। गाइस आपको बिल्कुल पैसे नहीं देना है, कोई भी अगर बंदा मेरे नाम से मेरे फोटो का मिसयूज करके पैसे मांगता है तो आप समझ जाइए वो स्कैमर है, फेक है, आपको उस पर भरोसा नहीं करना। और मेरे नाम के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको उसको बिल्कुल एक रुपये भी नहीं देना, क्योंकि मैं फ्री में टीम देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे ज्वाइन करेंगे तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैंने रखा है, वहाँ पे ऐड कर रखा है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आप इसी चैनल पर फिर से आ जाएंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इंडिया का सबसे जल्दी ग्रो होने वाला फंटेसी स्पोर्ट एप्लीकेशन रियल 11 नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और कमेंट सेक्शन में लिंक मैंने दे दिया है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन के बारे में एक बार जानेंगे मेरे भाई तो बिल्कुल ही आप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि बेनिफिट आपको ऐसे मिल जाते हैं कि आप कहीं दूसरे एप्लीकेशन पर जा ही नहीं सकते। पहला देखिए बता देता हूं, यहाँ पे फर्स्ट गेम आप बिल्कुल फ्री में खेल सकते हैं। उसके बाद 5000 का वेलकम बोनस भी दोस्तों आपको मिलता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको जो है, तीसरी चीज आपको बता देता हूं कि लोवेस्ट एंट्री फी आपको देनी पड़ती है। हर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उनको देखते हुए सबसे लोवेस्ट एंट्री फीस आपको रियल में देने पड़ता है। एंड चौथा जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओपिनियन एंड पोल्स, मतलब कि आप दोस्तों यहां पे बता सकते हैं कि जैसे कि कोई भी प्लेयर खेल रहा है जो स्पेलर कितने रन मारेगा। स्क्रीन पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो आप अपना एग्जैक्ट ओपिनियन पोल दीजिए और कैश प्राइजेस विन करिए। एंड पांचवा दोस्तों यहाँ पे देखिए, फ्री इंस्टेंट कैश विड्रॉल बहुत ही जल्द होता है, जो कि आपका विनिंग होगा, तुरंत ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे 24 आवर्स आपको यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट मिलता है, कोई भी दिक्कत होती है आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे 0 कमीशन लीग दोस्तों, मतलब बहुत अच्छा, किसी भी लीग को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई भी कमीशन देना नहीं पड़ता अदर फंटेसी एप्लीकेशन के देखते हुए दोस्तों। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको रेगुलरली फ्री गिवअवे मिलते हैं, 100% दोस्तों एसरेट विनिंग है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं भाई, 100% विन मिल जाता है आपको। एंड उसके बाद यहाँ पे रिफर एंड ईयर ऑफ निजिटी, मतलब कि दोस्तों को अपने इन्वाइट करें और यहाँ पे दोस्तों खेलना स्टार्ट करिए, बहुत ही गजब का एप्लीकेशन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए मेरे, वहां पे दोस्तों आपको रियल 11 की जो कि फाइनल टीम फ्री में टीम मिल जाती है। गाइस बात करते हैं मैच डिटेल्स की, मैच नंबर 4 जो कि टाटा आईपीएल का होने वाला है, डेट चुकी रहेगी 2 अप्रैल इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 3:30 यानी दोपहर के बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में जो पड़ता है इस स्टेडियम में मैच होने वाला है। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर जो कि दोस्तों इस ग्राउंड का ज्यादातर रहता है 157, मतलब कि दोस्तों पिच जो की रहती है बैलेंसड रहती है। आगे बढ़ते गए हेड कॉर्ड्स की बात कर लेते हैं, दोनों टीम के बीच में जो है टोटल अभी तक 10 मैच खेले गए, जिसमें कि सनराइजर हैदराबाद को दोस्तों 6 बार विन मिली है और राजस्थान रॉयल को 4 बार विन मिली है। तो कहीं ना कहीं जो रिसेंट इनका रिकॉर्ड रहा है, तो 60% चांसेस यहाँ पे विनिंग के जो हैदराबाद के रह सकते हैं और यहाँ पे 40% दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के रह सकते हैं गाइस, ठीक है। बट जो आपने देखा था पिछले सीजन में तो राजस्थान रॉयल जो है बैक टू बैक मैच को विन करके आ रही थी, बट ये जो हेडक्वार्टर्स का मैच है तो इसी प्रकार से हो जाता है। गाइस बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच होने वाला है। अगर गाइस हमें यहाँ पे देखें किस हिसाब से हेल्प मिलती है बॉलर्स और बैट्समैन को, देखिए लास्ट 5 मैच का यहाँ पे रिकॉर्ड जो दोस्तों मैंने आपके सामने रखने वाला हूँ, जिस हिसाब से यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न रहा है और विकेट दोस्तों यहाँ पे जो मिले हैं पेसर और स्पिनर को वो देख लेते हैं। देखिए जो लास्ट 5 मैच है गाइस, यहाँ पे पेसर को 41 विकेट मिली थी, ठीक है, दोनों मैच दोनों इनिंग में, जिसमें अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इनिंग में 21 विकेट, सेकंड में 20 विकेट, तो कहीं ना कहीं पेसर को एडवांटेज मिल सकता है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो चाहे वो सेकंड इनिंग हो। स्पिनर को दोस्तों टोटल यहाँ पे 19 विकेट मिली है, जिसमें कि 11 विकेट फर्स्ट इनिंग में और 8 विकेट सेकंड इनिंग में दोस्तों, तो कहीं ना कहीं देखिए स्पिनर को भी हेल्प मिली, बट एडवांटेज जो रहने वाला है वो पेसर के पास रहने वाला है। स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते गए यहाँ पे लास्ट 5 मैचेस का, देखिए जो फर्स्ट इनिंग में 5 मैच में बना गए 149 पे 8 विकेट, 212 पे 6 विकेट, 198 पे 8 विकेट, 132 पे 5 विकेट और 155 पे 7 विकेट गए। तो हाई स्कोर यहाँ पे देखिए 5 मैच में जो है 212 का बना है, बाकी जो यहाँ पे देखिए 149, 158, 132 और 155, तो ये तो बैलेंसड हो जाता है गए, बॉलर और बैट्समैन को दोनों को हेल्प मिल जाती है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो विकेट भी दोस्तों धड़ाधड़ 5 मैच में गिरी हुई है। चेसिंग की बात करते हैं गए, यहाँ पे जो टीम चेस करी सेकंड में जो स्कोर बना है 148-60, उसके बाद यहाँ पे देखिए चेस नहीं हुआ, 167-8 ये भी चेस नहीं हुआ। एंड उसके बाद यहाँ पे
158 वाला चेस हो गया गाइस, जिसमें कि एक विकेट के नुकसान पे, एंड उसके बाद 132 वाला चेस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 155 साथ है ये भी दोस्तों चेस नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं तीन मैच यहाँ पे देख रहे हैं, पांच मैच जो हम देख रहे हैं तीन मैच चेस नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करती है उसके चांसेस बढ़िया हो सकते हैं मैच को विन करने के। एंड दोस्तों जो यहाँ पे पिच का बिहेवियर रहता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए विकेट तो गिरती गई, ठीक है, बट ज्यादातर यहाँ पे हेल्प जो मिली है स्लोअर बॉलर उसको मिली है, ठीक है, जो यहाँ पे रिकॉर्ड है पेसर का। तो कैसे देखिए पेसर में आपको बताता हूँ, राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म मीडियम और राइट आर्म फास्ट, ये सारे के सारे जो बॉलर दोस्तों ये सारे के सारे पेस में आते हैं, ठीक है। स्पिनर में आपको पता है ऑफ ब्रेक, लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक, उसके बाद लेफ्ट आर्म चिन्नेमन, ये सारे के सारे जो बॉलर्स होते हैं लेग ब्रेक स्पिनर होते हैं, ठीक है, लेग ब्रेक गूगली ये भी स्पिनर होते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे स्लोअर बॉलर्स को काफी ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है, एंड दोस्तों खास करके यहाँ पे स्पिनर को भी हेल्प मिली है। तो मतलब जहां तक हम दोस्तों इस पेसर को ज्यादातर अपने टीम में पिक कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे जो रिकॉर्ड गाइस था वो मैंने आपको दिखा दिया है। आगे बढ़ते गाइस और बाकी के अपडेट देखिए पिच रिपोर्ट से रिलेटेड, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिलेंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेडियम जो रहेगा गाइस इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेडियम थोड़ा सा बड़ा रहेगा, मतलब बैलेंसड भी हो सकता है, बट ये टीम पे भी डिपेंड करने वाला गाइस, जिस हिसाब से टीम की बैटिंग होती है तो उस हिसाब से स्कोर भी आपको देखने को मिल सकता है, जो लास्ट का पांच मैच आपने देख ही लिया। टीम न्यूज के बारे में बात करते गाइस, हैदराबाद की टीम की कप्तानी जो है भुवनेश्वर कुमार कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं टीम को, एंड उसके साथ देखिए एडम मार्कम अभी टीम में है नहीं तो फिलहाल यही लीड करेंगे। एंड साउथ अफ्रीका प्लेयर्स जो कि आपको पता है मिस है, क्योंकि वो आपने देखा नीदरलैंड के गेस में उनकी ओडीआई मैच होने वाले हैं, तो दोस्तों उसकी वजह से यहाँ पे एडम मार्कम भी मौजूद नहीं रहेंगे, बट शायद दूसरे मैच में आ जाए। एंड उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स टीम के न्यूज के बारे में, प्रसिद्ध कृष्णा रूल्ड आउट है, ठीक है, इस आईपीएल से। बाकी ज्वेरेड जो कि यहाँ पे नहीं मिलेगा इस आपसे, जहां तक हो भी सकते कि आ भी सकते हैं, ठीक है, एंड उसके साथ अपने अगर आप देखते प्लेइंग में तो नहीं आएंगे, ये आपको क्लियर कर देता हूँ। एंड उसके बाद जो अपडेट रहेंगे वो आपको सारे के सारे टेलीग्राम चैनल मिलेंगे, तो मेरे भाई आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते गए यहाँ पे प्लेइंग के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए दोस्तों आपको समझना है प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर देख लेना है। सनराइजर हैदराबाद की बात करते हैं, अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल जो कि ये ओपन करते देखने को आपको मिल सकते हैं इस टीम के लिए। अभिषेक शर्मा दोस्तों लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, मयंक अग्रवाल राइट हैंड बैट्समैन है। देखिए लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक अभिषेक शर्मा, कभी कभी स्पिल भी करा देते हैं आपको पता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। राहुल त्रिपाठी राइट हैंड बैट्समैन, तीसरे नंबर बैटिंग करने आएंगे। हैरी ब्रूक चौथे नंबर पर देखने को मिल सकते हैं राइट हैंड बैट्समैन। ग्रीन फिलिप्स राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक इनकी स्पिनर है गाइस। उसके साथ अगर हम बात करते हैं अब्दुल समद जो कि आपको मिडिल ऑर्डर पे मिलेंगे, ये भी राइट हैंड बैट्समैन है। वास्तविक सुंदर लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर्स हैं, ये आपको डेथ में मिलेंगे। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं। मयंक मानकर देख सकते हैं लेग ब्रेक गूगली हैं, दोस्तों मैंने क्या कहा लेग ब्रेक गूगली भी बॉलर जो होते हैं वो भी स्पिनर में आते हैं, ठीक है। फजल अक फारू की जो है लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, उसके बाद उमरान मलिक राइट आर्म फास्ट है गाइस, ठीक है, तो ये जो कि प्लेइंग रहेगी सनराइजर हैदराबाद की। अब यहाँ पे देखिए क्लियर कर लेते हैं किस किस बॉलर्स को स्पेल मिल सकते हैं। देखिए उमरान मलिक के चार तो कंफर्म रहेंगे, फजल अक फारू के भी दोस्तों चार कंफर्म हो सकते हैं, यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार के भी चार कंफर्म रहेंगे। और जहां तक कहते हैं कि भुवनेश्वर कुमार तो पावर प्ले का पहला ही स्पेल का ओवर लेकर के आ सकते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे जो कि पावर प्ले में आपको फजल फारूकी उमरान मलिक भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। डेथ में अगर हम बात करते हैं तो फिर उमरान मलिक या तो भुवनेश्वर कुमार, ठीक है, ये दोनों करा सकते हैं बॉलिंग एक एक ओवर स्पेल का। बाकी कहते कि चार तो कंफर्म हो सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे वास्तविक सुंदर भी चार करा सकते हैं गाइस, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेंगे वास्तविक सुंदर जो अभी तक की प्रबल प्लेइंग इलेवन रहेगी उसके अकॉर्डिंग गाइस। बाकी अपडेट तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की प्रबल प्लेइंग इलेवन के बारे में। जोश बटलर यशस्वी जायसवाल दोस्तों ये आपको ओपन करते दिखाई दे सकते हैं। जोश बटलर जो कि राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर है, यशस्वी जायसवाल जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, देवदत्त पैटेल आपको तीसरे नंबर पर नहीं लेफ्ट हैंड बैट्स है। उसके बाद यहाँ पर संजू सैमसन टीम की कैप्टन राइट हैंड बैट्समैन एंड विकेट कीपर है। सिमरन एटमेयर जो कि आपको मिलेंगे थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। रियान पराग राइट हैंड बैट्समैन, लेग ब्रेक गूगली बॉलर्स हैं, बट यहाँ पर दोस्तों स्पिल नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना आपको। रविचंद्रन अश्विन जो कि हैं आपको डेथ में बैटिंग करते नजर आएंगे, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर्स हैं। एंड दोस्तों आपने देखा था पिछले सीजन में कहीं ना कहीं दोस्तों टॉप पे भी आ सकते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं। नवदीप सैनी राइट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं। कुलदीप सेन जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं। यजुवेंद्र चहल लेग ब्रेक गूगली बॉलर्स हैं। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे जो पावर प्ले के स्पेल मिल सकते हैं तो किन किन बॉल्स के स्पेल कंफर्म रहेंगे उनके बारे में। यजुवेंद्र चहल, कुलदीप सेन, नवदीप सैनी, ट्रेंट बोल्ट, ये चार चार कंफर्म रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे अश्विन भी दोस्तों कंफर्म रहेंगे चार बार। देखिए स्पिनर को किस प्रकार से ट्राई करना है वो मैंने स्कोरिंग पैटर्न के हिसाब से आपको समझाई दिया पिच रिपोर्ट जो थी। बाकी देखिए पेसर जो मैंने बताया यहाँ पे लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, जैसे कि ट्रेंट बोल्ट को अच्छी हेल्प यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है, जैसे राइट आर्म फास्ट है नवदीप सैनी, उमरान मलिक को उनको थोड़ा कम मतलब कुछ हेल्प देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्लोअर बॉलर के लिए कुछ अच्छी हेल्प है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे इनके स्टेट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे
हैदराबाद के परफॉर्मेंस के बारे में जो प्लेयर करा है रिसेंट, एंड उसके बाद यहाँ पे हेड कॉर्ड्स और वेरिएंट कॉर्ड्स क्या है वो भी जानते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे अभिषेक शर्मा की, 3 मैच है हेड कॉर्ड्स के जिसमें कि 30 रन है 15 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं और 3 मैच में दोस्तों 0 विकेट है। वेन्यू पे 2 मैच है जिसमें कि 7 रन है 3 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं और 2 मैच में 1 विकेट है गाइस। बट आपको पता है ये बंदा कभी कभी विकेट लेता था पिछले सीजन में, तो अच्छे विकेट लेता था ये भी आपको याद होगा। रिसेंट फॉर्म की बात करते गाइस जो ये खेल करके आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए 41 रन प्लस 1 विकेट एंड उसके यहाँ पे 29 रन प्लस 3 विकेट, उसके यहाँ पे 109 रन प्लस 0 विकेट गाइस। ठीक है तो रिसेंट तो गजब है, ये डोमेस्टिक ओडीआई का दोस्तों। एंड उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं मयंक अग्रवाल की जो कि 12 मैच है ठीक है जिसमें कि 366 रन है 30 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं एंड वेन्यू पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं 6 मैच है जिसमें कि 73 रन 12 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मयंक अग्रवाल जो कि हेडक्वार्टर्स में गजब परफॉर्मेंस है, वेन्यू थोड़ा सा खराब है बट टीम में हम इनको लेकर के चल सकते हैं। रिसेंट फॉर्म गाइस उतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, देखिए 54 फिर 2 फिर 1 फिर 12 1, तो मतलब दोस्तों आउट ऑफ फॉर्म है अभी जो लास्ट के मैच खेल रहे हैं। बट आपको पता है आईपीएल में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड जो कि कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कल गायकवाड़ और उसके साथ सुमन गिल का बताया था गाइस, दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन भी हमने बना कर दिया बट मिस्टेक गाइस ये होगी अलग अलग कर दिया था ठीक है। बाकी अपडेट तो यार आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगी तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद राहुल त्रिपाठी की बात करते हैं हेड कॉर्ड से गाइस, 4 मैच है जिसमें कि 96 रन है 24 के ओवर से बैटिंग करते हैं। वेन्यू पे 4 मैच है जिसमें 21 रन बनाए हैं और 7 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं लास्ट 5 मैच, यहाँ पर देखिए 5 फिर उसके बाद 35 फिर 0 फिर 13 फिर 44, तो कहीं ना कहीं राहुल त्रिपाठी से दोस्तों आपको यहाँ पे इस मैच में अच्छा एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और ये बंदा कुछ अच्छे रन बना सकते हैं, ध्यान में आपको रखना है। एंड उसके बाद बात करते हैं हैरी ब्रूक जो कि आपको पता है भाई ये प्लेयर काफी महंगा टीम के लिए। बाकी देखते हैं जो कि रिसेंट फॉर्म तो यहाँ पे गई इस प्रकार से जो कि यहाँ पे देखिए 20 फिर यहाँ पे 0 फिर 80 फिर 6, बट गई देखिए बैलेंसड पिच है जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, बट यहाँ पे हाई स्कोर भी बना है दोस्तों का जो कि फर्स्ट इनिंग में, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे हैरी ब्रूक अगर बल्ला चलता है तो फिर अच्छे हाईएस्ट स्कोर भी बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों अपने टीम के लिए जो सबसे महंगे प्लेयर हैं और उसके साथ दोस्तों स्कोर बनाना इनका काम भी रहेगा और मेहनत जो कि बंदा जरूर करेगा, क्योंकि आपने देखा पीएसएल में जो कि नहीं गए आईपीएल के अकॉर्डिंग आईपीएल खेलने के चलते, तो यार फिलहाल मेरे हिसाब से इनको टीम में लेकर जा सकते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक भी आप कर सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स की बात करते हैं गाइस, देखिए इनका जो हेड कॉर्ड्स और वेरिएंट कॉर्ड्स का एक भी मैच नहीं, रिसेंट फॉर्म यहाँ पे देखिए 5 रन प्लस 0 विकेट फिर यहाँ पे 2 रन 5 रन प्लस 0 विकेट यहाँ पे 7 रन प्लस 1 विकेट 39 रन, तो गाइस कुछ खास कंसिस्टेंट ये भी देखने को नहीं मिले। बट टीम में रखने की बात करेंगे तो फिर टीम में सेलेक्ट करेंगे जो दोस्तों आपको 4 टीम में ग्रांड लीग की प्रोवाइड करवा उसमें, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब्दुल समद की बात करते हैं, 4 मैच है हेड कॉर्ड्स के जिसमें कि 7 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं, वेन्यू पे एक भी मैच नहीं। रिसेंट 5 मैच देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 0 रन प्लस 0 विकेट 66 रन 64 रन 20 रन 2 रन, तो कहीं ना कहीं रिसेंट फॉर्म इनका बढ़िया है बट आईपीएल में आपने देखा था पिछले सीजन में कुछ खास नहीं हुआ था। अभी अगले सेक्शन की बात करते हैं गाइस, तो मयंक अग्रवाल राहुल त्रिपाठी हैरी ब्रूक ये 3 प्लस जो कि हम रख सकते हैं इसके टॉप ऑर्डर से ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे जो कि आपको सनराइजर हैदराबाद के प्लस मिलने वाले हैं, वासिंग सुंदर जो कि डेथ में बैटिंग करने आएंगे और इस पर भी दोस्तों इनको मिलेंगे कंफर्म है 4 हिसाब से प्रबल प्लेइंग नहीं, तो यार समझ लीजिए कि इनको टीम में तो लेकर के चलना ही। पहले दिन से हम जान लेते हैं इनका जो हेड कॉर्ड्स और वेन कॉर्ड्स है, 5 मैच हैं जो कि हेड कॉर्ड्स के जिसमें दोस्तों 37 के ओवर से बैटिंग करें बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट, बट यहाँ पे स्पिल मिले थे बट यार विकेट नहीं मिली थी, एक ही विकेट है 5 मैच में। वेन्यू पे 2 मैच है जिसमें कि दोस्तों 1 रन है एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो वेन्यू पे बॉलिंग के 2 मैच है जिसमें 0 विकेट है। रिसेंट फॉर्म में आप देख सकते हैं 2 विकेट 0 विकेट उसके बाद 50 रन प्लस 2 विकेट फिर यहाँ पे 10 रन प्लस 1 विकेट, बट गाइस आपको पता है यहाँ पे स्पिल मिलेंगे तो ये बंदा बढ़िया कंसिस्टेंट रहता है, स्पिल मिलते हैं तो विकेट भी जरूर मिलती है, तो सुंदर को दोस्तों हम ट्राई कर सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार की बात करते हैं गाइस, 14 मैच है हेड कॉर्ड्स जिसमें 14 विकेट है, इस ग्राउंड पे 36 मैच है जिसमें 36 विकेट है। रिसेंट अगर 5 मैच देख रहे हैं तो कंसिस्टेंट नहीं है दोस्तों, 5 मैच में 2 ही विकेट है, तो इसका थोड़ा सा देखना होगा रिसेंट जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, तो फिर मेरे हिसाब से क्या करना गाइस सभी टीम में नहीं लेकर के जाना, जिस टीम हम वासिंग सुंदर को रखेंगे देखिए ये तो बैटिंग भी इनको मिल सकती है आपको पता है, एंड यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार को फिर हम सभी टीम में लेकर नहीं जाएंगे ध्यान रखना है। मयंक मार्कंडे की बात करते हैं, 3 मैच जिसमें 0 विकेट है एंड वेन्यू पे दोस्तों 1 मैच है जिसमें 4 विकेट बहुत कंसिस्टेंट है। रिसेंट अगर हम 5 मैच इनका देखते हैं 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, तो गाइस कंसिस्टेंट प्लेयर है। मयंक मार्कंडे को हम ट्राई कर सकते हैं भुवनेश्वर कुमार की जगह दूसरे टीम में, बट अभी पहली टीम में दोस्तों रखना ही पड़ेगा। फजल अक फारूकू का देखिए पहला मैच होगा यहाँ पे वेन्यू और रिकॉर्ड्स में, रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट बंदा आपने देखा जो कि अभी पाकिस्तान के गेम्स में खेल कर विकेट जरूर मिल रही है हर मैच में, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, तो यार इस प्लेयर को भी हमें टीम में लेकर चलना पड़ेगा। उमरान मलिक हेडकॉर्ड्स बहुत ही कंसिस्टेंट है, 1 मैच में 2 विकेट है, वेन्यू पे तो 1 भी मैच नहीं। रिसेंट अगर हम 5 मैच देख रहे हैं तो ये भी बंदा कंसिस्टेंट, देखिए 3 2 फिर 1 0 फिर 2, तो कहीं ना कहीं सनराइजर हैदराबाद की जो कि बॉलिंग है ना बहुत ही मजबूत रहने वाली है जो कि इनका हेडकॉर्ड्स और वेन्यूकॉर्ड्स कहता है। तो दोस्तों एक टीम देखिए मैंने बताया कि बैलेंसड पिच भी है ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ये टीम जो है पहले बैटिंग कर लेती सामने टीम चेस करती है तो फिर यहाँ पे आपने देखा चेसिंग भी कम है 5 मैच जो हमने देखा 3 मैच चेस नहीं हुए, तो फिर आप यहाँ पे बॉयज को तो जरूर हेल्प मिल गई, यहाँ पे पेसर को फिर हम अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लेकर के जा सकते हैं, यह ध्यान रखना आपको।
एंड उसके बाद बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में। जोश बटलर जो कि हेडक्वार्टर्स के 10 मैच खेले हैं जिसमें कि 23 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, इस ग्राउंड पे 3 मैच हैं जिसमें कि दोस्तों 22 रन है। देखिए ग्राउंड पे इनका भी कुछ खास नहीं रहता है, ध्यान रखना आपको। रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं, कंसिस्टेंट है। देखिए लास्ट 5 मैच अगर हम इनका देखते हैं 76-26 और 67-40। जयसवाल की बात करते हैं, 3 मैच हैं ये इस ग्राउंड जो कि सामने टीम लीग है इसमें 22 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेन्यू पे तो एक भी मैच नहीं है। रिसेंट अगर हम 4 मैच देख रहे हैं, देखिए ओडीआई जो कि खेल कर दोस्तों बहुत ही इनकी रजत ट्रॉफी हो गई, ये सारे मैच जो खेल करके बहुत ही कंसिस्टेंट रहे हैं बैटिंग से। देखिए 104, 142, 63, 73। तो दोस्तों ये देखिए आपको पता है पिछले सीजन में भी जयसवाल बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, तो जॉर्ज बटलर और जयसवाल हम रख सकते हैं, बट चेसिंग में दोस्तों कहीं ना कहीं फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा जयसवाल को ड्रॉप करने के लिए भी सोच सकते हैं, क्योंकि सामने टीम का बॉलिंग लाइनअप भी गजब है और यहाँ पे चेसिंग दोस्तों खराब है। एंड उसके बाद बात करते हैं देवदत्त पेडिकल की, तो फिलहाल 6 मैच हेडक्वार्टर्स के जिसमें 25 करोड़ से बैटिंग करते हैं, ग्राउंड पे एक मैच नहीं। लास्ट 5 मैच दोस्तों ये भी कंसिस्टेंट है, 124, फिर 9, फिर 0, फिर 22, फिर 28 दोस्तों। एंड टीम रैंकिंग बात करें गाइस तो फिर यहाँ पे देखिए इनका भी थोड़ा सा कम सिलेक्शन करूंगा पेडिकल का भी, क्योंकि आपको पता है पिछले सीजन में रन बना रहे थे बट सभी मैच में नहीं बना रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म भी कई मैचेस में गए हैं। संजू सैमसन की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स के 19 मैच इन्होंने खेले हैं जिसमें कि 35 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, इस ग्राउंड पे 5 मैच है दोस्तों की 46 करोड़ से बैटिंग करते हैं। यार कंसिस्टेंट है संजू सैमसन भी, और एक टीम में देखिए कॉम्बिनेशन आप जोश बटलर संजू सैमसन का भी कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन का, बाकी एक टीम में जोश बटलर को तो मैं कैप्टन अभी कर लेता हूं, और वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पे मैं किसी बॉलर को रखूंगा वो भी पेसर या स्पिनर को दोस्तों, ठीक है। बात करें यहाँ पे संजू सैमसन के रिसेंट फॉर्म की, तो सैमसन जो है लास्ट 5 मैच जो कि खेले हैं दोस्तों 61-4, 59-36, 5, तो आउट ऑफ फॉर्म मतलब नहीं है, इन फॉर्म है गाइस बट उतना भी ज्यादा डिसेंट फॉर्म इनका कह सकते हैं, मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहे। एंड अगर बात करते हैं सिमरन हेटमेयर की, 8 मैच हैं जिसमें कि 26 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं हेडक्वार्टर्स में, वेन्यू पे एक मैच है जिसमें 9 रन है। एंड उसके बाद रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए 13-54, 36-0, फिर 25। तो गाइस कहीं ना कहीं देखिए इस टीम का बैटिंग लाइनअप मजबूत है और सामने टीम का दोस्तों बॉलिंग लाइनअप मजबूत है, बट यहाँ पे दोस्तों हमें करना क्या है, किस प्रकार से कॉम्बिनेशन करना है, तो एक टीम मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उसे आपसे दोस्तों आप समझ सकते हैं। रियान पराग की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स का 6 मैच है जिसमें 18 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, एंड वेन्यू पे दोस्तों एक भी मैच नहीं। लास्ट 5 मैच अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे गाइस देखिए इनका जो है वो कंसिस्टेंट है थोड़ा सा, मतलब समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए 2 विकेट, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 विकेट, फिर 1 विकेट गाइस, तो मतलब ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस आप जो है कह सकते हैं गाइस, ठीक है। गाइस बात करते हैं राजस्थान टीम के जो और प्लेयर रहने वाले, रविचंद्र अश्विन की बात करते हैं। देखिए हेडक्वार्टर्स के इनके 16 मैच हैं जिसमें कि 10 करोड़ से बैटिंग करें तो बैटिंग देखिए बहुत कम मिलती है, 16 मैच दोस्तों 9 विकेट हैं तो कुछ खास नहीं है। वेन्यू पे बात करते हैं, 4 मैच हैं जिसमें कि 2 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं और 4 मैच में 4 विकेट हैं, तो यार पिच कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है स्पिनर को, इनको ग्राउंड पे दोस्तों देखते हुए टीम में रख सकते हैं, हेडक्वार्टर्स को देखते हुए दोस्तों सभी टीम में हम नहीं लेकर के जाएंगे। उसके बाद रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं, तो इस प्रकार से इनका रिसेंट फॉर्म है, लास्ट 5 में देखते हैं 7 रन प्लस 1 विकेट, उसके बाद यहाँ दोस्तों 13 रन प्लस 0 विकेट, 3 विकेट 0 विकेट, तो कुछ कंसिस्टेंट नहीं है, बट दोस्तों देखिए टीम में तो मैं इनको लेकर के जाऊंगा पहली टीम में जहां तक। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स के 9 मैच हैं दोस्तों उनके जिसके 11 विकेट बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, बट ग्राउंड दोस्तों उनको कुछ खास हेल्प नहीं है, 3 मैच में 1 ही विकेट है। लास्ट 5 मैच अगर हम देख रहे हैं तो यार कंसिस्टेंट प्लेयर, देखिए 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 1, तो विकेट यहाँ पे मिल सकती है इनको भी, बट दोस्तों जहां तक चांसेस कम हो सकते हैं मेरी पहली टीम में इनके जगह के, बाकी दोस्तों मैं टीम आपको शो करूंगा अभी। नवदीप सैनी की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका ग्राउंड का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। नवदीप सैनी हेडक्वार्टर्स के 4 मैच है जिसमें 5 विकेट है, वेन्यू पे एक भी मैच नहीं है। रिसेंट बात करते हैं, 3 विकेट देखिए, 22 रन प्लस 0 विकेट, 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, तो कंसिस्टेंट प्लेयर है सैनिक दोस्तों, आप ट्राई करके जा सकते हैं। कुलदीप सैन की बात करते हैं, देखिए गाइस जो कि हेडक्वार्टर्स और वेन्यूक्वार्टर्स के एग्रीमेंट्स हैं, बट दोस्तों जो लास्ट के कुछ मैचेस खेल करके बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, देखिए यहाँ पर 4 विकेट 5 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, तो ये बंदा भी टीम में दोस्तों रहने लायक प्लेयर रहेगा, और जहां तक आप जेवीएस समझेंगे कि बैलेंसड पिच है तो मेरे भाई फिर इनको हम जरूर ट्राई करके जाएंगे, मतलब कम से कम फिर मैं 4 से 5 बॉलर भी एक टीम में रखूंगा, और ये दोस्तों ट्रंप भी रहने वाला है, ठीक है। इस प्रकार का सिलेक्शन जो रहेगा 4 से 5 बॉलर वाला, वो गाइस मैं बता रहा हूँ ट्रंप रहेगा, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद टीम के पास जो है बैटिंग लाइनअप दोस्तों उतना मजबूत नहीं है, ये आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा। यजुवेंद्र चहल की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स के 16 मैच जिसमें 18 विकेट है, ग्राउंड पे 5 में 3 विकेट है। रिसेंट फॉर्म देखिए, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट गाइस, बट देखिए दोस्तों मैं एक कॉम्बिनेशन ऐसा करूंगा जो कि पिछले सीजन था, जोश बटलर और यजुवेंद्र चहल वाला, दोस्तों बढ़िया मेरा मुझे प्रॉफिट हुआ था, तो मैं इनका दोनों का एक कॉम्बिनेशन जरूर करूंगा, बाकी आप जोश बटलर संजू सैमसन का भी कर सकते हैं गाइस, एंड उसके साथ नवदीप सैनी भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस, कुलदीप सैन का भी हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं गाइस। आगे बढ़ते हैं, देखिए गाइस यहां पे जो हेडक्वार्टर्स में सबसे बेस्ट प्लेयर हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गए होंगे। देखिए जो सब एक दूसरे के गेम्स में, तो सबसे बढ़िया प्लेयर्स देखिए मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक, जोश बटलर, संजू सैमसन, ट्रेंट बोल्ट और यजुवेंद्र चहल, जो कि टॉप प्लेयर रहने वाले हैं एक दूसरे के गेम्स में, ठीक है। जो इनका एवरेज आप देख सकते हैं, बॉलिंग फिगर भी आप देख सकते हैं, मतलब जो विकेट है इनकी,
तो गैस ये आप प्लेयर इनको तो ड्रॉप करने के लिए बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो कि अगर हम बात करें तो ग्राउंड पर सबसे बेस्ट प्लेयर है, जो कि चार प्लेयर गए सबसे बेस्ट कर रहे हैं इस ग्राउंड पर, जो कि दोनों टीम में, भुवनेश्वर कुमार देखिए 36 में 36 विकेट है, मयंक मारकांडे जो कि है 1 मैच में 4 विकेट है, संजू सैमसन 46 के उससे बैटिंग कर रहे हैं और रविचंद्रन 4 में 4 विकेट गए। तो जहां तक देखिए संजू सैमसन और मयंक मारकांडे ग्राउंड पर देखते हो दोस्तों, इनको तो हमें किसी टीम से जहां तक ड्रॉप करने की कोशिश नहीं करना। मयंक मारकांडे देखिए नए प्लेयर रहेंगे, जहां तक कमी में शामिल हो गए तो फिर आपको ट्रंप के तौर पे इनको यूज जरूर कर लेना, बट दोस्तों पहली टीम से जो कि यहां तक मैं ड्रॉप इनको करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए वो प्रीव टीम रहेगी, फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए अगर प्लेयर बैटल की बात करते हैं, मयंक मारकांडे मयंक अग्रवाल को जो कि यजुवेंद्र चहल ने 47 बॉल में 72 रन दिए और 6 बार आउट किया, यजुवेंद्र चहल ने हरिब्रुक को जो कि 9 बॉल में 7 रन दिए और 2 बार आउट किया। तो हरिब्रुक के लिए यजुवेंद्र चहल दोस्तों जहां तक फिलहाल जो है मतलब दिक्कत कर सकते हैं, तो जब यजुवेंद्र चहल को मैं वाइस कैप्टन बनाऊंगा तो हरिब्रुक को टीम में रखूंगा, इस बट उतना भरोसा हम नहीं करेंगे, ठीक है, ड्रॉप भी मैं कर सकता हूं। अब्दुल समद को देखिए 4 बॉल में दोस्तों 2 रन दिए यजुवेंद्र चहल ने, 2 विकेट बनाए, तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों प्लेयर बैटल के अकॉर्डिंग मैं टीम में इनको रखूंगा और वाइस कैप्टन भी ट्राई करूंगा जॉर्ज बटलर के साथ। जॉर्ज बटलर को देखिए भुवनेश्वर कुमार ने 82 रन में 84 रन दिए 82 बॉल में, उसके बाद यहाँ पे 5 विकेट 5 बार आउट किया। संजू सैमसन को दोस्तों यहाँ पे जो कि भुवनेश्वर कुमार ने 85 बॉल में 111 रन दिए और 3 बार आउट किया, और सिमरन हेटमैन को फजल फारूक ने 4 बार में दोस्तों 2 बार आउट किया 4 बॉल में, उसके बाद 4 बॉल में 4 बॉल में दोस्तों 2 रन दिए और 1 बार आउट किया गया, ठीक है। थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहता हूँ कंफ्यूजन के लिए, बाकी दोस्तों प्लेयर बैटर रहेगा, स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। एक जो कि मेरी टीम रहेगी ये आप देख सकते हैं, जो कि आप इसे कंफर्म दोस्तों फाइनल नहीं समझ सकते क्योंकि फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगी, तो आप लोग फटाफट दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एक टीम का जो प्रीव्यू मैं आपको दे देता हूं कुछ इस प्रकार से रहेगा गाइस, जिसमें मैंने कैप्टन जॉर्ज बटलर को बनाया हुआ है और वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे यजुवेंद्र चहल को दिया, फजल फारूक मेरी टीम है, उमरान मलिक है एंड रविचंद्र अश्विन। देखिए रविचंद्र अश्विन को जहां तक मैं ड्रॉप करूंगा तो फिर यहाँ पे मैं ट्रेंट बॉल को ट्राई कर सकता हूँ, वर्षित सुंदर को ड्रॉप करूंगा तो फिर यहाँ पे मैं जो कि मयंक मारकांडे या कुलदीप सेन को ट्राई करूंगा गाइस। बाकी देखिए अभी जो है यहाँ पे स्कोरिंग हाई स्कोरिंग के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जैसे कि जो स्कोर बना उसके अकॉर्डिंग टीम बनाई है, ठीक है।